बारिश के मौसम में अगर आपने समोसा नहीं खाया तो क्या खाया। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए ब्रेड के समोसे की रेसिपी लेके आई हूँ। ये समोसा हम बनाएंगे 10 मिनट में, वो भी बिल्कुल साधारण मसालों के साथ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर तो बिल्कुल भी मत जाइएगा। चलिए बनाते हैं झटपट ब्रेड का समोसा। ब्रेड का समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने आधा किलो उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को पहले हमने धो लिया, छील लिया, उसके बाद मीडियम फ्लेम पे हमने 2 सीटी बजाई है। प्रेशर कुकर का जब प्रेशर निकल गया तब हम ये आलू पूरी तरह से ठंडा करने के बाद इसको इस तरह से हम क्रश कर रहे हैं। गरम गरम में आलू को कभी भी क्रश ना करें, नहीं तो आलू बहुत मैशी हो जाएंगे। तो आलू हमारा तैयार है। तो चलिए एक पैन को हम गैस पे चढ़ा देते हैं और अब हम इसमें 4 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। आलू की स्टफिंग सरसों के तेल में बहुत बढ़िया बनती है, तो मेरी मानिएगा तो आप सरसों के तेल में बनाइएगा। सरसों का तेल जब अच्छा से गर्म हो जाएगा तभी हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच खड़ी धनिया डाल रही हूँ, जिसको कि मैंने बहुत अच्छे से क्रश कर दिया है। आप देख सकते हैं खड़ी धनिया को क्रश करके डालिएगा। तो 2 चम्मच हमने खड़ी धनिया डाली है, 1 चम्मच हमें मोटी वाली सौंफ है जिसको कि मैंने अच्छे से क्रश कर दिया है। तो सौंफ और धनिया को क्रश करके डालिएगा। ज़ीरा हम 1/2 चम्मच डाल रहे हैं। हींग हम डालेंगे 1/4 टेबल स्पून। गैस की फ्लेम को यहाँ पे लो रखिएगा, नहीं तो ये खड़े मसाले जल जाएंगे। इन खड़े मसालों को हमें 20 से 30 सेकेंड ही फ्राई करना है। खड़े मसाले जलने नहीं चाहिए, तुरंत हम इसमें डाल देंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसको कि हमने कद्दूकस यानी कि ग्रेट किया है, और 2 से 3 हरी मिर्च जिसे हमने चॉप कर दिया है। अब हम इसमें अदरक और हरी मिर्च को भी डाल देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे अदरक और हरी मिर्च को हम बस 1 मिनट के लिए ही पकाएंगे। हमारे ये खड़े मसाले जलने नहीं चाहिए और ना ही अदरक को हमें बहुत ज़्यादा ओवर कुक करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। नहीं तो स्टफिंग का जो स्वाद है, मसालों का जो ये स्वाद है वो बिगड़ जाएगा, आपकी स्टफिंग उतनी अच्छी नहीं बनेगी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मेरी किचन में। तो यहाँ पे 1 मिनट हो चुका है, बस 1 मिनट ही हमने अदरक को हरी मिर्च को पकाया है। अब हम तुरंत इसमें उबले हुए आलू डाल देंगे जो हमने क्रश किया था, और गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम ही रखेंगे। अल्टा पलटी करते हुए आलू को हमें यहाँ पे खूब अच्छे से भुनाई करनी है इन खड़े मसालों के साथ, क्योंकि जो खड़े मसालों और अदरक का जो फ्लेवर है, अरोमा है, वो आलू में आना चाहिए, तभी हमारी स्टफिंग बहुत लाजवाब बनेगी। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आप हरी मटर डालना चाहते हैं स्टफिंग में, पनीर या मूंगफली, काजू डालना चाहते हैं, तो वो भी आप इस समय डाल सकते हैं। आलू डालने से पहले डालिएगा उन चीज़ों को, उसके बाद आप आलू को डालिएगा, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ आलू से स्टफिंग तैयार कर रही हूँ, ये भी बहुत अच्छी स्टफिंग बनेगी। आलू को मैंने लगभग 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया मसालों के साथ। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला और नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। बस इन लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाले को और नमक को हम इस आलू में अच्छे से मिला देंगे, और अभी भी हम आलू को अच्छे से पकाएंगे जिससे कि गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर का फ्लेवर आलू में आ जाए, नमक भी अच्छे से आलू में मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आलू को 2 से 3 मिनट अच्छे से पकाना है। हल्का सा आलू बढ़िया सा जब फ्राई हो जाएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, आप देख सकते हैं आलू का टेक्सचर चेंज हो चुका है। यहाँ पे आलू हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है बनके। अब हम सबसे लास्ट में डालेंगे अमचूर पाउडर यानी कि पिसी खटाई पाउडर 1 चम्मच भर के। हरी धनिया डाल देंगे क्रश करके, और साथ ही में कड़ी पत्ता डालेंगे। कड़ी पत्ता बहुत अमेजिंग फ्लेवर देता है, तो इसको काट के ज़रूर डालिएगा। मेरे कहने से ये स्टफिंग बहुत लाजवाब बनेगी। यहाँ पर हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे और गैस की फ्लेम को हम कर देंगे बंद। अमचूर पाउडर सबसे लास्ट में पड़ता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। और आलू का जब भी हम समोसा बनाते हैं तो उसमें अमचूर पाउडर ज़रूर डालते हैं। मैंने इसमें पिसी धनिया पाउडर नहीं डाला क्योंकि हमने खड़ी धनिया डाली थी, और इसमें हल्दी पाउडर नहीं डाला है। तो जितने मसाले मैंने डाले हैं बस उतने ही मसाले आप भी डालिएगा, ये स्टफिंग बहुत लाजवाब बनेगी। अब हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। तो ये देखिए बहुत बढ़िया स्टफिंग बनी है, बहुत ही चटपटी, बहुत डिलीशियस बनी है। बस एक बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस स्टफिंग को हमें कम्प्लीटली ठंडा करना है, उसके बाद ही हम समोसे बनाएंगे। तो 1/2 घंटे बाद हम समोसे बनाते हैं। अब हम एक कटोरी में 3 चम्मच मैदा लेंगे और इसी के साथ 1/4 कप पानी लेंगे।
मैदा और पानी का हमें गाढ़ा सा घोल तैयार करना है, यानी कि हमें एक स्लरी बनानी है जिसे हमें समोसा बनाने में चिपकाने में मदद मिलेगी। तो ये स्लरी हमारी देखिए कितनी अच्छे से बन गई, ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए मैदे और पानी के घोल की। तो इसे साइड में कर देते हैं। यहाँ पे मैंने एक ब्रेड ली है और ये ब्रेड बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल ताजी ब्रेड लीजिएगा, मुलायम ब्रेड। इसके जो एजेस हैं उन्हें हम काट के अलग कर देंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये साइड का जो ब्राउन वाला पोर्शन है इसको हम काट देंगे, लेकिन इसे फेंकेंगे नहीं, इसे हम रख देंगे, हम इसके ब्रेड क्रम्स बनाएंगे, ठीक है। तो अभी हम इसे साइड में कर देते हैं। ब्रेड को हम बेलन से हल्के हाथों से बेल लेंगे, बहुत ज़्यादा दबा के नहीं बेलिएगा, 2 से 3 बार ही हमें बस ब्रेड को बेलना है। तो इस तरह से देखिए हमने ब्रेड को बेल के हल्का सा पतला कर लिया है। और ये जो हमने स्लरी तैयार की थी इसको हम एक साइड लगा देंगे, देखिए इस तरह से, ध्यान से देखिएगा, हमने इसको अच्छे से लगा दिया है, खूब ज़्यादा सी थोड़ी लगाइएगा, और इसको जैसे कोन बनाते हैं ना उस तरह के शेप में हम इसको चिपका देंगे। तो ये मैदे की जो ये घोल तैयार किया ये चिपकाने का काम करेगी ब्रेड को। तो इस तरह से हमने तैयार कर लिया है। अब आलू को थोड़ा सा मैश करके डालिएगा, गांठें नहीं होनी चाहिए नहीं तो ब्रेड टूट जाएगी। नीचे की तरफ थोड़ा सा पतला करके डालिएगा जिससे कि ब्रेड के कोने कोने में आलू हो, और स्टफिंग को थोड़ा कम ही भरिएगा जिससे कि हमें ऊपर चिपकाने में मदद मिले। तो अब इस थोड़ी सी स्लरी को हम एजेस पे लगा दे रहे हैं, और ये देखिए जो ये कोने वाला भाग है इसको आगे की तरफ ला के हमने इस तरह से इसको चिपका दिया। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये समोसा की स्टफिंग तैयार हो गई है। अब हम हल्के हल्के पानी से इसको डैप कर दे रहे हैं, बहुत हल्का सा पानी लगाना है जिससे कि जब हम इस समोसे को तलेंगे तो ये तेल कम पिएगा, बस इसीलिए हमने पानी को लगाया है। सेम इसी तरह से पहले हम सारी स्टफिंग करके रेडी कर लेंगे, उसके बाद ही हम समोसों को तलेंगे। तो ये हमारे ब्रेड के समोसों की स्टफिंग तैयार हो चुकी है और ये तलने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलिए इनको तलते हैं। कढ़ाई में हमने तेल को गर्म कर लिया। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल नहीं यूज़ किया है, यहाँ पे मैंने पीनट ऑयल यूज़ किया है। तो तेल अच्छा गर्म है मीडियम फ्लेम पे। अब हम एक एक करके इसमें समोसे डाल देंगे, और अभी डालने के बाद तुरंत हम इसको नहीं छेड़ेंगे। जब ये हल्का सा कलर चेंज होगा इनका तब हम इसकी उल्टा पलटी करेंगे, और बराबर से चारों तरफ से हर तरफ से समोसे को सुनहरा कलर होने तक फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखिएगा, लो फ्लेम पे इसको नहीं तलना है। जैसे हम मैदे वाले समोसे जब बनाते हैं तो उसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पे तलते हैं, उस तरह से हमें ब्रेड वाले समोसे नहीं तलने हैं। अगर हम लो फ्लेम पे इसको तल देंगे तो ये बहुत ज़्यादा तेल को पी लेंगे, तो इसीलिए हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे तलेंगे जिससे कि ये तेल ज़्यादा ना एब्जॉर्ब करे। तो यहाँ पे आप समोसों को देखिए कितने लाजवाब लग रहे हैं। ये हमारा ब्रेड का समोसा बनके तैयार हो चुका है। तो बस अब हम एक एक करके इनको प्लेट पे निकाल लेंगे। टिश्यू पेपर से आप इनको ज़रा सा पोंछ लीजिएगा, जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा तो वो टिश्यू पेपर अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये लीजिए भाई, हमारे ब्रेड के ये समोसे बनके तैयार हो गए, बहुत ही लाजवाब लग रहे हैं दिखने में। बस इसी तरह से हम सारे समोसे तल लेंगे। तो वाह वाह क्या बात है, मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, मजबूर हूँ क्योंकि मैं आपको खिला नहीं सकती। आ हा हा हा, ये देखिए क्या लाजवाब समोसा बना है, क्या क्रंच है, इसकी स्टफिंग बहुत टेस्टी बनी है। तो देर मत करिए, जल्दी से ये ब्रेड का समोसा बनाइए, अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करिए, और गर्मा गर्म चाय के साथ तो इस समोसे का लुफ्त इस मानसून सीज़न में तो बनता है। और साथ ही में मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, और मेरे चैनल आशुस कुकिंग मैजिक को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए। घर का बना हुआ खाना खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मेरा वीडियो देखते रहिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।